हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ साग की रेसिपी। साग पंजाब की बहुत ही फेमस रेसिपी है और ये सर्दी के मौसम में बनाया जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। साग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक गुट्टी ली है साग की, और साथ ही मैंने यहाँ पर दो गुट्टी ली है पालक की। जितनी आप पालक ज़्यादा डालोगे, हमारा जो साग है वो खाने में उतना ही टेस्टी और मुलायम बनेगा। तो साग को सबसे पहले हम कट कर लेंगे। साग के जो पीछे वाली डंडी होती है उसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा काट लिया था। तो इस तरह से हम सारा साग और पालक कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे। साग में थोड़ी सी मिट्टी होती है, तो इसको हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, और वॉश करके इसको हम 10 मिनट तक पानी में छोड़ देंगे ताकि इसमें जो मिट्टी है वो निकल जाए और साग अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो साग को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, तो इसको हम कुकर में डाल देंगे। जब हम इसको कुकर में डालेंगे तो साग क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे साग पकता जाएगा इसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। तो ये देखिए, कुकर हमारा ऊपर से अच्छी तरह से फुल हो चुका है। तो इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। पानी हम इसमें डालेंगे क्योंकि इसको हमें आधे से पौने घंटे तक पकाना है। तो साथ ही इसमें हम लहसुन की कलियां डाल देंगे और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डाल के इसको हम एक बार मिला लेंगे, और मिलाने के बाद इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के 2 विसल आने देंगे, और जब इसमें 2 विसल आ जाए तो गैस का फ्लेम कम कर देंगे और आधे से पौने घंटे तक इसको हम इस तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 45 मिनट हो चुके हैं, तो कुकर खोलेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो साग है वो अच्छी तरह से पक कर तैयार हो चुका है। अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है, पानी हम निकाल लेंगे। तो साग में जो पानी था इसमें से मैंने निकाल लिया है। तो इसमें हम थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल देंगे। अगर आप इसमें मक्की का आटा डालना चाहते हैं, मक्की का आटा भी डाल सकते हैं। तो इसको हम मदिया के साथ अच्छी तरह से मैश कर देंगे। अगर आपके पास ये मदिया नहीं है तो आप इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। साग को मैश करने के लिए आप ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, साग हमारे यहाँ पे अच्छी तरह से मैश हो चुका है। तो इसके लिए अब हम तड़का तैयार करेंगे। तो तड़का तैयार करने के लिए यहाँ पे हम कढ़ाई में देसी घी डाल देंगे। आप रिफाइंड घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साग का जो मज़ा है वो देसी घी के साथ ही आता है। तो घी मेल्ट हो चुका है, तो इसमें हम अदरक डाल देंगे, और अदरक को हम 1 से 2 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी जो अदरक है वो फ्राई हो चुकी है। तो इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। तो इसमें मैं लहसुन का यूज़ नहीं कर रही क्योंकि लहसुन हमने पहले से ही साग में डाला हुआ है। तो प्याज को भी हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो कट किए हुए टमाटर डाल देंगे, और टमाटर डाल के इसको हम एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इसमें हम नमक डालेंगे। नमक डालने से पहले आप साग को टेस्ट कर लें क्योंकि उसमें हमने पहले भी नमक डाला हुआ है। तो थोड़ी सी इसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे, और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक इस तरह से मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, तड़का हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसमें हम साग डालेंगे। सारा साग इसमें हम नहीं डालेंगे, जितने साग की आपको ज़रूरत है उतना ही साग इसमें आप डाल सकते हैं। बाकी का जो साग है आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, और 2 से 3 दिन तक इसको आप खा सकते हैं। तो साग डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि ये तड़के में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मिलाने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे।
तो ये लीजिए, साग हमारे यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए इसको हम बाउल में निकाल देंगे। तो आप इस साग को मक्के की रोटी के साथ खाएं, मक्के की रोटी के साथ जो साग है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। बाउल में निकालने के बाद इसके ऊपर हम मक्खन डाल देंगे। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप इसके ऊपर देसी घी भी डाल सकते हैं, जिसके साथ इसका जो स्वाद है बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये लीजिए, तैयार है हमारा पंजाबी सरसों का साग। तो होप करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।